Hello everyone, this is Shikha again from Technical Cloud Knowledge and I hope you all are doing well. So basically, आज का जो मेरा मोटिव है, आज की वीडियो को अंदर जो मैं कवर अप करूंगी वो रहेगा आपका इंटरव्यू क्वेश्चन. एंड ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन होगा वो आपका डॉकर बेस्ड रहेगा. ओके, सो मैं एक डॉकर इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर अप करूंगी. सो एडिशनली हम लोग ये देखेंगे, अगर कभी कोई इंटरव्यूअर आपसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन को आस्क करता है तो आपको किस तरीके से आंसर करना है और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है. सो वी विल गोइंग टू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग थ्रू दिस क्वेश्चन ऑफ डॉकर. सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स बिगिन विद अ लेक्चर. ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वी विल गोइंग टू कवर अप द डॉकर इंटरव्यू क्वेश्चन, सो लेट्स कम टू द सिनेरियो फर्स्ट. सो आपका जो सिनेरियो है वो क्या है, विच मीन्स अगर मान लो कोई आपसे बोले, अगर आपको इंटरव्यूअर एक सिनेरियो दे दे, विच मीन्स आपके पास मान लो एक क्लस्टर है, विच मीन्स आपके पास डॉकर का स्वार्म क्लस्टर है. अब इस स्वार्म क्लस्टर के अंदर अज्यूम कर लो आपके दो नोड्स रनिंग, ठीक है. लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट वुड बी योर मास्टर नोड. लेट्स टेक दिस वन इज आर मास्टर नोड. मास्टर नोड एंड ये जो रहेगा आपका, ये हम लोग ले लेते हैं वर्कर नोड, ठीक है. सो आपके पास एक मास्टर नोड है और एक वर्कर नोड. हम सभी को पता है स्वाम के अंदर क्या होता है कि मास्टर जो होता है, मास्टर नोड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सर्विसेज को क्रिएट करते हैं. बिकॉज मास्टर को ये प्रिविलेज मिला होता है, ये राइट्स होते हैं कि मास्टर सारी ऐसी, मतलब मास्टर के पास ऐसे प्रिविलेज होता है जिसके अंदर उसको सारी कैपेबिलिटीज होती है. वो कंटेनर बना सकता है, वो सर्विस लॉन्च कर सकता है, सर्विस को स्केल अप कर सकता है, सर्विस को स्केल डाउन कर सकता है, किसी भी नोड को डिलीट कर सकता है, नोड को स्टॉप कर सकता है. ऑल काइंड ऑफ प्रिविलेज हैज बीन गिवन टू मास्टर हो. ओके, नाउ हमें पता है वर्कर को हमें आ रही इस टाइप की प्रिविलेज नहीं मिलती. अब अज्यूम करते हैं, मैंने क्या बोला, जो मास्टर नोड है जिसको प्रिविलेज मोड दिया गया है, विच मीन सारी कैपेबिलिटीज है उसके पास हर एक टास्क को परफॉर्म करने की. मैंने बोला मास्टर नोड पर कि हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सर्विस रन कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक सर्विस रन की, डॉकर सर्विस क्रिएट हाइफन हाइफन नेम सर्विस वन हाइफन हाइफन प्रिविलेज. फिर मैंने क्या बोला, आफ्टर दैट मैंने बोला पोर्ट नंबर दे देते हैं 80 रेप्लिकास, मैं इसको प्रोवाइड कर देती हूँ 8, 8 नहीं 4 रेप्लिकास ले लेते हैं. और इमेज मान लो मैंने एंजिनिक्स की दे दी. सो अब देखो यहाँ पे मैंने सर्विस को रन किया, इस सर्विस को रन करते टाइम मैंने क्या बोला, प्रिविलेज, विच मीन्स मैं इसको प्रिविलेज मोड दे रही हूँ, विच मीन्स मेरा जो सर्विस रन होगी और उस सर्विस के अंदर मैंने बोली है रेप्लिकास 4, मतलब 4 कंटेनर्स जो लॉन्च होंगे एंड जब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे मेरे वर्कर नोड्स पे कुछ एंड कुछ मास्टर नोड पे, तो वो जो कंटेनर्स बनेंगे ना, उन कंटेनर्स को फुल प्रिविलेज मिला होगा, फुल कैपेबिलिटीज होंगी उनके पास, सारे के सारे राइट्स होंगे हर एक ऑपरेशन को डन करने के. तो अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ ऐसी क्वेश्चन करते कि मान लो आपका कोई एक कंटेनर वर्कर नोड पे यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है, ये कंटेनर आपका वर्कर नोड पे रन हो रहा है और ये जो कंटेनर आपका बना हुआ है ना, ये है प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड कंटेनर, विच मींस प्रिविलेज मोड पे आपका ये जो कंटेनर है ये रन हो रहा है. अब प्रिविलेज मोड पे है तो हम सभी को पता है प्रिविलेज मोड का मतलब है कि इस पूरे के पूरे कंटेनर के पास सारे राइट्स हैं हर एक टास्क को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है. तो हमारा ये जो कंटेनर बना है वो प्रिविलेज मोड पे बना है. प्रिविलेज मोड का मतलब है अब इसके पास पूरे के पूरे राइट्स है. अब मान लो आपका यूजर आया, ठीक है, यूजर आपका डीएनएस के थ्रू आया, डीएनएस के थ्रू उसने एक अपनी रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, रिक्वेस्ट जाके हिट हुई लोड बैलेंसर से. लोड बैलेंसर था आपका मैप आपके नोड्स से, मास्टर नोड एंड इवन वर्कर नोड्स. और वी ऑल नो दैट मास्टर नोड हमारा जो होता है कनेक्टेड रहता है वर्कर नोड्स, ठीक है. लेट अस्यूम दिस वन इज योर कस्टमर, ये आपके कस्टमर्स है कुछ, ये आपका डीएनएस हो गया, ये आपका लोड बैलेंसर हो गया, ठीक है. लोड बैलेंसर के साथ मैप्ड है हमारा मास्टर नोड एंड हमारा वर्कर नोड, और इसको हम लोग ले लेते हैं डीएनएस, ये हमारा हो गया लोड बैलेंसर. लोड बैलेंसर के अंदर आपने मैप कर रखी है अपने मास्टर नोड के आईपी एड्रेस एंड वर्कर नोड का आईपी एड्रेस. सो लेट्स टेक आपके मास्टर नोड का आईपी एड्रेस है, ठीक है, इस तरीके से
इसी तरीके से मैं ले लेती हूँ, मेरे वर्कर नोड का आईपी एड्रेस क्या है, ये ले लो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 19। तो मेरे मास्टर नोड और वर्कर नोड दोनों ही मेरे लोड बैलेंसर के साथ कनेक्टेड है। कस्टमर आया, कस्टमर ने डीएनएस पे हिट किया, ठीक है, डीएनएस से वो गया आपके लोड बैलेंसर पर, लोड बैलेंसर से उसने क्या किया, लोड बैलेंसर ने उसके ट्रैफिक को, ये जो ट्रैफिक आया था उसके पास, लोड बैलेंसर ने उस ट्रैफिक को कहाँ सेंड कर दिया, वर्कर नोड इस कंटेनर पर। और इस कंटेनर पर चल रही है आपकी एप्लीकेशन, मान लो आपकी एप्लीकेशन जो है वो चल रही है abc.com नाम से, ठीक है, तो कस्टमर ने एक्सेस कर लिया आपकी एप्लीकेशन। नाउ अब हम सभी को पता है ये जो कंटेनर है वो हमारा प्रिविलेज मोड पे बना है, तो मतलब इस केस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक कंटेनर जो कि प्रिविलेज मोड में बनाया गया है, क्या उस कंटेनर से हम लोग मास्टर नोड को हैक कर सकते हैं, एंड इज इट गुड टू प्रोवाइड प्रिविलेज मोड टू आर कंटेनर्स, टू आर वर्कर नोड्स? सो लेट मी टेल यू दैट इट इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, ठीक है। अगर आप अपने वर्कर नोड पे कंटेनर्स लॉन्च कर रहे हो और उन कंटेनर्स को आप बोल रहे हो प्रिविलेज मोड में, प्रिविलेज मोड का मतलब है आप अपने कंटेनर को फुल राइट्स दे रहे हो, और वो राइट्स जिसको दे रहे हो, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल जी, तो वो जो राइट्स है वो बिलोंग करते हैं आपके वर्कर नोड से, और वर्कर को कभी भी इतने राइट नहीं दिए जाते एज अगर हम लोग कंपेयर करें मास्टर नोड से। तो वर्कर को हमेशा मास्टर नोड जितने राइट मिलते ही नहीं है, वर्कर का काम होता है जस्ट जो उसके पास ट्रैफिक आया है उन ट्रैफिक को हैंडल करना, ठीक है। तो आप वर्कर मोड पे जो आपने कंटेनर बना रखा है उस कंटेनर को आप बता रहे हो प्रिविलेज मोड पे बनाने को, प्रिविलेज मोड आपने बता दिया है, कंटेनर रन होगा विद फुल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। अब जो कस्टमर आएगा एप्लीकेशन को तो एक्सेस कर लेगा, वो कंटेनर से बाहर भी आ सकता है। अब कंटेनर से मान लो वो बाहर आया, उसने आपके वर्कर नोड को हैक कर लिया, क्योंकि प्रिविलेज है भाई कंटेनर पे सारा, कंटेनर से वो बाहर भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। कंटेनर के अंदर बैठकर वो एचसी लिनक्स की पॉलिसीज को भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। एपीएम आपकी जो सर्विस होती है, एपीएम आरएम करके, वो उन सर्विस को भी चेंज कर सकता है, एनीथिंग ही कैन डू और शी कैन डू, ठीक है, व्हाट एवर, लाइक एनी पॉलिसीज और कोई भी परमिशंस उन्हें वो चेंज कर सकता है। तो मान लो आपके जो कस्टमर आया उसने एप्लीकेशन को एक्सेस तो कर लिया, अब कंटेनर को प्रिविलेज मोड था, तो आपका जो कस्टमर था वो बाहर वर्कर नोड को भी एक्सेस कर पाया, वर्कर नोड को एक्सेस कर लिया, भाई वर्कर नोड है मास्टर नोड से कनेक्टेड, तो मतलब वो मास्टर नोड को भी हैक कर सकता है, और मास्टर नोड पे तो आपकी सर्विस चल रही है। मान लो वो मास्टर नोड पे गया, सर्विस को चेंज कर दिया, सर्विस के अंदर कुछ डिफरेंट कर दिया, सर्विस को डाउन कर दिया, सारे आपके जितने भी नोड्स थे उनके ऊपर जो कंटेनर चल रहा था वो सब डाउन, आपकी एप्लीकेशन डाउन। मास्टर नोड पे गया, मान लो उसने अपनी पासवर्ड पॉलिसीज लगा दी, अब जो मास्टर जो मेन एडमिन होगा उसके पास राइट नहीं बचा। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा जब भी आप अपने कंटेनर्स बनाओ, कोई सर्विस क्रिएट करो, हमेशा बी केयरफुल कि आप प्रिविलेज मोड मत दो, बिकॉज प्रिविलेज मोड अगर आप दे रहे हो तो आप अपने लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हो। सो देर आर मेनी सिक्योरिटी रिस्क एंड अदर टाइप ऑफ रिस्क आप अपने लिए क्रिएट करते हो, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आपको भी पता है अगर आप वर्कर नोड्स को फुल राइट दे दोगे तो वर्कर भी भाई मास्टर की तरह वर्क करेगा, और कस्टमर आ रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं, कस्टमर को भी पूरा का पूरा राइट हो जाएगा, कंटेनर को क्योंकि राइट मिल गया। सो दैट्स व्हाई नेवर यूज प्रिविलेज मोड। हाँ, अगर प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको प्रिविलेज मोड का यूज केस करके देखना है कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं करता, देन यू कैन यूज, बट रादर इन इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वी यूज टू डोंट यूज, वी डोंट यूज द प्रिविलेज मोड, ठीक है, वी यूज टू टेक इट ऑफ, हम लोग इसको हमेशा ही ऑफ रखते हैं अपने से कि भाई हमें यूज ही नहीं करना। ओके, आप कभी भी इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को पुट ही मत करो अपनी कमांड में, विच इज प्रिविलेज मोड का एट्रीब्यूट, एंड द एट्रीब्यूट इज योर हाइफन हाइफन प्रिविलेज, नेवर यूज दिस एट्रीब्यूट, ओके। तो जब आप इस एट्रीब्यूट को नहीं यूज करोगे, आप अपने कंटेनर्स बनाओगे, कंटेनर्स इजिली बनेंगे, उन कंटेनर्स को कोई राइट नहीं है, कस्टमर आएगा एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, एप्लीकेशन के अंदर जो उनसे भी पेज पे उसको विजिट करना है, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस, एनी पेज ही वॉन्ट्स टू विजिट, ही विल विजिट और ही और शी विल विजिट, एंड देन लॉग आउट कर देगा आपकी एप्लीकेशन से, एंड देन अपना काम और अदर काम करेगा। सो मतलब आप इस तरीके से अपने कंटेनर्स बनाओ विदाउट यूजिंग द एट्रीब्यूट प्रिविलेज, अगर आप उसे यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए ही रिस्क कर रहे हो क्रिएट। सो यही था आपका बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन कि किस तरीके से आप इसको आंसर करोगे अगर आपसे कभी प्रिविलेज मोड के लिए पूछ लिया जाए। सो प्रिविलेज मोड बेसिकली इस टाइप के आप बोल सकते हो राइट्स होते हैं जो मास्टर नोड को दिए जाते हैं।
ठीक है। और आप ये देकर अपने वर्कर नोड को भी राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप वर्कर नोड पर कोई ऐसा कंटेनर लॉन्च कर रहे हो विद ऑल प्रिविलेज विद ऑल कैपेबिलिटीज, सो इट इज नॉट गुड फॉर वर्कर नोड एज वेल एज फॉर योर स्वाम क्लस्टर। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड या कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर ऑल। जस्ट अ सेकेंड।